हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आवर चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका कुकिंग पैशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो व्रत में बहुत ही यूजफुल है सभी के लिए। इस रेसिपी को बनाकर आप व्रत में खाएंगे तो फ्रेंड्स आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने व्रत वाला खाना खाया है, इतना टेस्टी लगेगी आपको। आप इसको बिना व्रत के भी बनाकर खाएंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो चलिए अब रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 7 से 8 मीडियम साइज़ के आलू, जिसे मैंने बॉयल करके अनइक्वल शेप में कट कर लिया है। आप शेप में कट करके भी ले सकते हैं। 1 चम्मच जीरा, 5 से 6 हरी मिर्च जिसे मैंने चिली कटर में क्रश करके लिया है, 1.5 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसे मैंने चिली कटर में क्रश करके लिया है, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 5 से 6 करी पत्ता, थोड़ा बारीक कटा हुआ धनिया गार्निशिंग के लिए, 1 खीरा जिसे मैंने छील कर कद्दूकस करके लिया है, खीरे का रायता बनाएंगे इससे, 250 ग्राम दही इससे खीरे का रायता रेडी करेंगे, 1 कटोरी मखाना इससे मखाने की खीर बनाऊंगी। फ्रेंड्स, आप जितनी क्वांटिटी में खीर बनाएं उतनी क्वांटिटी में मखाने लें। खीर को गार्निशिंग करने के बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटे हुए पिस्ता। फ्रेंड्स, मैंने 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, इससे खीर बनाऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने 250 ग्राम कूटू का आटा लिया है। आप किसी भी व्रत वाले आटे को ले सकते हैं, सिंघाड़े का आटा, राजगिरी का आटा, सावा के चावल का आटा, कुट्टू का आटा, बट मैंने कुट्टू का आटा लिया है। फ्रेंड्स, अब गैस को ऑन कर लिया, उस पर कढ़ाई को रख दिया, 3 बड़े चम्मच घी को डाल दिया है। घी हमारा मेल्ट हो गया, गैस के फ्लेम को हाई रखा है। अब उस पर मखाने डालकर फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप व्रत में ऑयल का यूज़ करते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, मखाने को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें मखाने ज़्यादा फ्राई नहीं करने हैं, नहीं तो हमारे खीर और का टेस्ट और कलर दोनों ख़राब हो जाएंगे। अब मखाने निकाल लेंगे, गैस को ऑफ कर दिया है। फ्रेंड्स, अब मखाने ठंडे होने देंगे, उसके बाद ग्राइंड करेंगे इसको। अब गैस को ऑन करके कढ़ाई को फिर रख लिया है, 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया, उसमें घी को मेल्ट होने देंगे, गैस के फ्लेम को हाई रखा है। फ्रेंड्स, घी हमारा मेल्ट हो गया, अब इसमें जीरा डाल देंगे, जीरा को चटकने देंगे। अब उसमें हरी मिर्च और करी पत्ता को डालेंगे। फ्रेंड्स, इसको फ्राई करके हम निकाल लेंगे, इससे रायते में तड़का लगाएंगे। फ्राई हो गए हैं, अब इसको निकाल लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डालेंगे। फ्रेंड्स, आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हो। अब इसको भी फ्राई कर लेंगे जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। अब थोड़ी सी क्रश की हुई हरी मिर्च डालेंगे। आप व्रत में मिर्च का यूज नहीं करते तो आप स्किप कर सकते हैं। ओनली काली मिर्च पाउडर डालें। अब इसको मिक्स कर देंगे। 1 चम्मच कुट्टू का आटा डालेंगे, इससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। फ्रेंड्स, आप जिस आटे से पूड़ियाँ बनाएं उस आटे को यूज कर सकते हैं। अब आलू डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। काली मिर्च पाउडर डालेंगे, नमक डालेंगे, मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, इसको अच्छे से फ्राई करेंगे उलट पलट कर। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी फ्राई हो गई है। अब इसको धनिया से गार्निशिंग कर लेंगे, इसको भी मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अब इसको डिवाइड कर लेंगे, थोड़े से फ्राई आलू 1 कटोरी में डिवाइड कर लेंगे, बचे हुए आलू का ग्रेवी वाला सब्जी बनाएंगे, धनिया से गार्निशिंग कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर इसको ग्रेवी वाला सब्जी बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो उसी अकॉर्डिंग से पानी डालें। अब इसको लेट्स कवर करके कुछ सेकंड पकाएंगे। देखिए कुछ सेकंड हो गए, अब इसको चेक कर लेते हैं। गैस को ऑफ कर दिया। फ्रेंड्स, हमारी सब्जी रेडी हो गई है। देखिए हमारी रेगुलर सब्जी जैसी लग रही है ना फ्रेंड्स। अब इसको धनिया से गार्निशिंग कर देंगे। अब फ्रेंड्स, हम मिल्क को बॉयल होने के लिए गैस पर रख दिया है। फ्रेंड्स, हमारा मिल्क बॉयल हो रहा है, इतने मखाने हमारे ठंडे हो गए, इसको ग्राइंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसका फाइन पाउडर हमें नहीं बनाना है, कोर्स ही ग्राइंड करना है इसको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्राइंड कर लिया है, ऐसे ही दरदरा ग्राइंड करना है हमको। फ्रेंड्स, 8 बड़े चम्मच चीनी को लिया है मैंने। अब इसको मिल्क में डाल देंगे,
जिससे ये मेल्ट हो जाए। फ्रेंड्स आप जितनी खीर बनाए उसी अकॉर्डिंग से चीनी और मिल्क और मखाने की क्वांटिटी रखें। फ्रेंड्स हमारा मिल्क बॉयल हो रहा है, इतने हम रायता को रेडी कर लेंगे। अब दही में कद्दूकस किए हुए खीरा को डाल देंगे। फ्रेंड्स आप फास्टिंग में रायते का यूज़ ज़रूर करें। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी क्रश्ड हुई हरी मिर्च डालेंगे। आप नहीं खाते हैं व्रत में तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेंड्स खीरे का रायता हमारा रेडी है। अब जो मैंने तड़का रेडी करके रखा था वो डाल देंगे। फ्रेंड्स आप रायते का यूज़ ज़रूर करें, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। आप धनिया से गार्निशिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना डिलीशियस लग रहा है। अब मिल्क बॉयल हो गया है, चीनी भी मेल्ट हो गया है। अब मिक्सर को डाल देंगे मखाने वाले और इसको मिक्स कर देंगे। गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। फ्रेंड्स खीर हमारी रेडी हो रही है। इतने हम कुट्टू के आटा को डो बना लेंगे, गूंथ कर थोड़ा नमक डालेंगे, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी क्रश की हुई हरी मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ती डालेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। अब थोड़े से आलू डालकर इनको भी मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स आप आलू को कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। ये बॉयल किया हुआ आलू है, इसको ज़रूर डालें, स्किप नहीं करें। क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारे रेगुलर आटा होता है, मैदा आटा बेसन, इन सब में ग्लूटन की मात्रा होती है, इसीलिए ये बाइंड होते हैं। बट व्रत वाले किसी भी आटे में ग्लूटन की मात्रा नहीं होती, इसीलिए ये बाइंड नहीं होते हैं। तो आलू को ज़रूर डालें। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसका रोटी जैसा आटा लगा लेंगे। फ्रेंड्स हमें ज़्यादा हार्ड आटा भी नहीं लगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने लगा लिया है। अब इसको जस्ट पूड़िया बना लेंगे, इसको रखना नहीं होता है। हमें गूंथ कर तुरंत पूड़िया बनानी होती है। गैस को ऑन करके कढ़ाई को रख लिया, उसमें मैंने 4 बड़े चम्मच घी को डाल दिया है। घी मेल्ट होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा खीर रेडी हो गई। अब गैस को ऑफ कर देंगे। अब ये ठंडी होकर गाढ़ी हो जाएगी। फ्रेंड्स अभी आपको पतली लग रही होगी। अब मैंने गोल गोल लोई बनाकर इसको हैंड से पूड़ी को तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स इसकी पूड़ियाँ हमें हाथ से ही बनानी होती है, क्योंकि इसके आटे में बाइंडिंग नहीं होती, इस वजह से बेलने में दिक्कत होती है। और गैस के फ्लेम को हाई पर ही रखें जब भी पूड़ी को तलें। कुट्टू की पूड़ी को देखें फ्रेंड्स कितनी सुंदर लग रही है ना, कुट्टू की पूड़ी। अब ऐसे ही दूसरी पूड़ी को हैंड से बनाकर इसको भी रेडी कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हाई ही रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स खीर भी हमारी रेडी हो गई है। अब इसको ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद हो। थोड़े से पिस्ता और बादाम से मैंने गार्निश कर लिया। देखिए फ्रेंड्स हमारी व्रत की थाली रेडी हो गई है। लग रही है ना कितनी डिलीशियस। फ्रेंड्स आप इसको एक बार बनाकर खाएंगे ना तो आपका मन करेगा कि मैं रेगुलर में भी बनाकर इसको दोबारा ट्राई करें। फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैंने ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाकर आपको शेयर करती रहूं। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर यूट्यूब फैमिली।